Salim Javed stepped on many people's feet, but to begin with, those feet should not have been there. Yeah, हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ थे. मेरे पास माँ है, वो भी दो. He was a regular seducer. Don को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. उस जमाने में भी हमारी प्राइस ज्यादा थी, इस जमाने में तो बहुत ही ज्यादा होगी. जो डर गया समझो मर गया. एक पिक्चर बस, हम एक और लिख दे साथ में. What was that secret formula? आप हमें आज बता दीजिए. That made Salim Javed Salim Javed. जे. वो secret formula. मैं चाहती हूँ कि आज आप वो secret formula हमें बता ही दे. Formula ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कि हम में तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ थे. They don't make men like these anymore. Let me tell you that. Javed sahab, aapse sawal puchna chahungi. Ki, what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result. But you see, it was not planned. It was not organized. It was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Nari for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Beside that, I was writing dialogue also, because no other writer was willing to write the dialogue of Saradi Lutera. So we went to Jhopad Patti, with Mahim ki Sagar sahab ke saath, wahan ek writer tha, usne bhi refused kar diya. फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो. तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहद लुटेरा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई मेट सलीम साहब. सलीम साहब उस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था, और मुझे इतना परेशान करते थे वो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूँगा. मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और अप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब ने, कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए. तो ये खैर बात ख़त्म हो गई. उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ, और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था. तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ. एक ये था कि एक वक्त का खाना पक्का हो गया था. तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे. एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहद लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो. तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000. तो आइए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया. तो हमने कहा ठीक है. तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया. ये गोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर में. लेकिन वहाँ एक सुधीर वाही थे जो अभी भी शायद आपके टच में है. तो सुधीर वाही जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है. तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ. तो हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी, वो हमें कहाँ काम दे. लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया. तो वहाँ बात बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए. मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने स्क्रिप्ट, तो आप दोनों आ जाइए. तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया. तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई. राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले लिख दो. तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाना चाहिए. इट जस्ट ग्रू, इट हैपेंड लाइक दैट. और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट इज हिस्ट्री. द रेस्ट इज हिस्ट्री. थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर टेकिंग अस ऑन दैट लिटिल जर्नी, एंड देयर इज अ लॉट मोर इन द डॉक्यू सीरीज, आई कैन प्रॉमिस यू. एट दिस पॉइंट आपके सामने वो लोग आराम बैठ रहे हैं. सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी. अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा हमें. क्या भाई आपका माइक? हेलो, और पास. हेलो साहब, ठीक? हेलो, आप ठीक? हाँ हाँ ठीक है. हम जा रहे थे करता हुआ एक फिल्म के
उस पे प्रीमियर पे हम जावेद चैम्बर में एक ही गाड़ी में थे, जा रहे थे, और हमारे सामने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जा रहे थे जिन्होंने 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी। तो बच्चे आए और ठोकना शुरू कर दिया और बॉनेट को, सलीम जावेद जिंदाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। तो एक 10 रुपये का नोट निकाला मैंने और उनका कहा कि ये लो, और वो जाके आगे को जो उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो, और उनका नाम दिया कि जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद बोलो। तो वो जैसे जैसे उसका जाके उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, देखा मेरे को जो लोग जानते हैं, और इसके बाद गाड़ी चली। तो इंटरवल में जब सिगरेट पीने निकले तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं, जो उसके बाद हम दिख गए उसे। तो हम घुमा फिरा के, जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था लोग जानते हैं, आदमी जानता है, तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आके खड़े हो गए कि नहीं यार अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए मेरी पिक्चर को, मेरा बच्चा बच्चा जानता है। Some of the finest storytellers of our country on this stage at this point. All of the women on the docu have said, you were brats. You were brats. You were not humble and you knew your worth. Some of those women are sitting right here. Thank you. Thank you for joining us today. It's so wonderful. No, I must, in all honesty, accept that Salim Javed stepped on many people's feet. But to begin with, those feet should not have been there. सलीम साहब आपसे जरूर सुनना चाहेंगे बाकी खाने के बाद लंच टाइम हो गया है। डायरेक्टर से सुन लेते हैं। यस आई थिंक वी ब्रेक फॉर लंच वेरी वेरी सून। ब्रैड थिंग इज टू पीपल राइटिंग गिविंग हिट आफ्टर हिट एंड नाउ दे हैव टू रिफ्यूज अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, अ लॉट ऑफ एक्टर्स। तो वो वहाँ से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग इनका नहीं ख़राब हुआ था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, फॉर व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी है कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग ख़राब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। जस्ट माइट बी ईच ऑफ यू हिट मी नॉट लाइक दैट विद विल स्टार्ट विद यू मनीष। वू शुड वी जस्ट डू इट द अदर वे अराउंड। आई हैव ऑलरेडी सेड माइन व्हिच इज मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। वू या बेबी वेल डन। नम्रता मेरे पास माँ है। क्या बात है aren't we grateful। रीमा जी जो डर गया समझो मर गया। yeah baby। रितेश I was going to say मेरे पास माँ है because that had also reached the Oscars but I'll say कितने आदमी थे। fantastic दो सरकार। तो सलमान सर स्वागत नहीं करोगे आप इनका? क्या बात है। should we ask the two of you what your favorite lines might be? Would you like to tell us your own line? And then that might be a bit weird. Yes. Now let me tell you that we are going to write now. I have spoken to him ki ek picture bas hum ek aur likh de saath mein. Tell. Line yahan se shuru hoti hai. उस जमाने में भी हमारी प्राइस ज़्यादा थी, इस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो देख लीजिएगा आप। मगर एक बात, हमारे बच्चों ने, सब बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे में कही, लेकिन सच ये है कि तो बहुत छोटे थे, नहीं क्या कितना याद है कितना नहीं, हम तो बड़े थे, हमें याद है ज़्यादा इन बच्चों के बारे में। मैं सलीम साहब से जब पहली बार मिला था
तो सलमान वॉज नॉट इवन वन ईयर ओल्ड, 65, ही वॉज नॉट वन ईयर ओल्ड. और ये जो अभी इतने हैंडसम लग रहे हैं ये कोई अभी की बात नहीं है, बचपन से ही खूबसूरत थे. तो ही वॉज अ एक्सेप्शनली गुड लुकिंग चाइल्ड. और एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपके लिविंग रूम में हुआ करती थी, छोटी सी फ्रेम में, सलमान की पता नहीं अब है एक हो गई कहाँ है. फिर ये सब तो बाकी बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं. अच्छा कमाल क्या है कि सलमान टुडे ही इज द ही मैन, ही इज द डैशिंग हीरो. ये इंतहाए शाय, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था. जो बदमाश बच्चा था वो वहाँ बैठा हुआ है. ये ही वॉज अ रेगुलर सेड्यूसर. सलीम साहब के घर में जो भी आता था कि ये आ? तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या क्या किया 6 बरस के बाद. ये जो भी इनका सलीम साहब का दोस्त होता था ये उससे एक स्पेशल रिलेशन बना लेते. ये बेचारा चुप बैठा रहता था और ये जो है उससे मिलके घुल मिलके लोगों को लगता था भाई बहुत कमाल का बच्चा है, है? और एक बहुत छुटपन में इसकी एक अजीब आदत थी, इसके बाल कभी बिखरे नहीं मिल सकते थे. ये कंघी करता था. एक 6 साल का बच्चा अपनी कंघी कर रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी. तो सेल्फ लव इनका बहुत कमाल का था. Self love, I love it. So Gen Z, Javed Saab, I love you. Zoya, I'm going to take this to you. Unless Salim Saab would like to say a few words. Gen Z तो ये उस वक्त से थे. पहले से the way they've lived their lives today is very difficult for Farhan and me to live our lives the way they've lived their lives. तो इसमें negative भी बहुत आ गया उस वक्त. तो they didn't care. Today we are made to feel that we should care where we should not actually. Thank you. That comes from, there is only one word which is badass, and I said that on stage. Shoot me. I don't care, but that's who they were. Zoya, I would love for you to tell us what your favorite dialogue is. And Farhan, we're back there. Actually, I'm going to go with what Reema said, which is Gabbar's dialogue, jo dar gaya samjho mar gaya. Mar gaya. Bilkul. Bahut bahut shukriya. Farhan? My favorite dialogue, I've actually made a film. I love that film so much. Dawn ko pakadna mushkili nahi namumkin hai. Was my favorite dialogue. But I think to just paraphrase one line that they've used in a film, and that question came up earlier also. Lunch kab hai? Lunch kab hai? Lunch? Lunch kab hai? Well, lunch will happen. Minus. Mujhse bhi puchna hai. Yes, sir. Sorry. Minus. Mere paas maa hai. Wo bhi do.